आपका न्यू ईयर कैसा गया? बढ़िया। बॉम्बे में मुंबई पार्टी किया? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। चलो रेडी। ओके पल्लवी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। साल 2017 में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने सुना आपके आने वाले, लेकिन जो हमारे नॉलेज में लायन और हिंदी फिल्म जो है बेगम जान, उससे हम ढेरों सारी बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसा था आपका मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर, किस तरह से सेलिब्रेट किया और कैसा था आपके लिए ये सब? मेरा क्रिसमस बहुत अच्छा गया। पहली बार मैं अकेली थी यहाँ बॉम्बे में, मैं ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाए अपने पेरेंट्स के पास क्योंकि मैं काम कर रही थी यहाँ पर। बट मुझे बैंड्रा बहुत पसंद आता है क्रिसमस के टाइम पे, इतने सारे चर्चेज़ है, लाइट्स है, बहुत सुंदर लगता है। ख़ासकर मेरी जो सड़क है, एक चर्च है वहाँ पे, तो बहुत सुंदर था, बनाया गया था जीसस का जो मेंजर होता है और ट्रीज़। और न्यू ईयर मैंने गोवा में बिताया, योगा किया बहुत सारा, सुबह सुबह पहले तारीख को डुबकी के साथ साल शुरू किया मैंने समंदर में। सो इट वाज वेरी फन। तो कुछ मतलब घर वालों की याद बहुत आती है? मुझे तो हमेशा आती है। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ अपने घर वालों के बगैर, और उनकी याद बहुत बहुत ज़्यादा आती है, और इंशाल्लाह अगले साल वो मेरे साथ होंगे। जी चलिए, लायन की सबसे पहले हम बात करेंगे जी, जो कि आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे मिला आपको और ये कैसा रहा, मतलब पहले ये कैसे मिला आपको ये प्रोजेक्ट? एक्चुअली 3 साल पहले मैंने ऑडिशन दिया लायन के लिए ऑस्ट्रेलिया में। इतने सारे रोल्स नहीं है लायन में क्योंकि देव पटेल और निकोल किडमैन और रोनी मारा जो मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो उनके बारे में, बट एक बहुत खास सीक्वेंस है फिल्म में जिसके लिए उनको एक इंडियन फेस चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में, एंड मेलबर्न में शूट हो रहा था। तो पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया और रीडिंग की, और फिर डायरेक्टर को पसंद आया, और फिर पिछले साल हमने शूट किया। और आई थिंक कुछ शूटिंग हिंदुस्तान में भी हुई है जी, जो मेरा पोर्शन था वो ऑस्ट्रेलिया में था, और बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि जो हमने शूट किया था वो मेलबर्न यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स पे शूट किया, जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ। मेरे जो वकालत की डिग्री है मेलबर्न यूनिवर्सिटी से है, एंड हम जिस कमरे में शूट कर रहे थे, एक दफ़ा मैं वहाँ पर डांस सिखाया करती थी, तो बहुत अजीब था वहाँ पे शूट करना, बहुत सालों बाद मेलबर्न में शूट करना। और हर शाम को मैं अपने पापा के साथ डिनर पे जाती थी, जो यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ जब मैं शूट कर रही होती हूँ। सो इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। और कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, व्हाट अबाउट योर रोल इन फिल्म लायन? ये एक जर्नी फिल्म है, और एक माँ और बेटे के बीच में जो प्यार है और जो मतलब दूरियां बन जाती हैं बिकॉज ऑफ अडॉप्शन, और मेरा जो किरदार है वो ये है कि जब जो मेन कैरेक्टर है अपने माँ को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, जो हमारे आई कांट गिव अवे टू मच बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू डू इट, बट हमारे ज़रिए उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कैसे वो खोज सकते हैं अपने माँ को, एंड इट्स अ वेरी पिवोटल सीक्वेंस। जी, एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस? देव पटेल हैं, निकोल किडमैन जो कि इंटरनेशनल स्टार हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत मुझे आनंद आया उनके साथ काम करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाहर काम करते हैं उनके सेट अलग होता है और डायरेक्टर का स्टाइल भी अलग होता है। पहले तो आप अंग्रेज़ी में शूट कर रहे हो, एंड आई थिंक जो स्टोरी है वो हमेशा सबसे अहम चीज़ होती है उस सेट पे। कोई ज़्यादा सीनियर नहीं होता है, जूनियर नहीं होता है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, अच्छा, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपसे ऐसे जानना चाहूँगी कि कभी मतलब ऐसी कोई इच्छा होती है कि मुझे, क्योंकि आपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट किया इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई इच्छा होती है कि मुझे इस हॉलीवुड स्टार के साथ में काम करना है, या ऐसे ऐसे हॉलीवुड स्टार के साथ में काम किया, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है जी। क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदुस्तान से भी बहुत ही अच्छा लोग कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा जी बिल्कुल कर रहे हैं, इरफान खान, और भी लोग सब जा रहे हैं। ऐसी कोई इच्छा होती है कि इस हॉलीवुड एक्टर के साथ में, रायन गॉसलिंग, मैं रायन गॉसलिंग के साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने अभी लाला लैंड देखी है, एंड जब हम देख रहे थे, मैं एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड के साथ देखने गई थी यहीं बॉम्बे में, और वो कह रहे थे ये तो गाना पे गाना आ रहा है। मैंने कहा आपको पसंद आ रहा है? कहते हाँ। मैंने कहा इसलिए मुझे बॉलीवुड पसंद आता था बचपन में, बिकॉज देयर इज़ दैट एलिमेंट ऑफ एस्केपिज्म। मुझे लगता है कि जो हॉलीवुड के जॉनर्स हैं
वो अभी बड़े डिलाइटफुल फैंटेसी वाले जॉनर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आम जिंदगी है वो थोड़ी सी मतलब ख़राब होती जा रही है, जो जैसे दुनिया जा रही है आजकल। आप जब न्यूज़ पढ़ते हो या देखते हो, बहुत कठिन वक्त कट रहा है हमारा यहाँ पे। तो आई थिंक फिल्म हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड या वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो। आई थिंक फॉर मी, आई फील एज एन आर्टिस्ट माई रोल इज़ टू प्रोवाइड जॉय टू ऑडियंसेस, एंड अगर मैं हॉलीवुड में भी कर सकती हूँ, बॉलीवुड में भी कर सकती हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। कोई फीमेल? बहुत सारे, मेरिल स्ट्रीप नहीं, आजकल बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं हॉलीवुड में। एमिली ब्लंट इज़ अ फेवरेट ऑफ माई, जेनिफर लॉरेंस, जो यंग हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, मैं बहुत रिलेट करती हूँ उनसे, क्योंकि मैं भी बड़ी हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो कल्चरली रिलेट करती हूँ एंड इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि उनको डर नहीं लगता है, वो हर किरदार निभाने को तैयार हैं। वो स्टोरी के बारे में सोचते हैं, अपने स्टारडम के बारे में कम सोचते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर एन एक्टर। जी, क्योंकि पल्लवी जी, आपने ये फिल्म, आपने हॉलीवुड फिल्म की भी और आपने कई सारे हिंदी फिल्में भी की है, जी। तो कितना डिफरेंट होता है वहाँ के कल्चर में काम करना और यहाँ की कल्चर में काम करना? आपके लिए कितना डिफरेंट होता है, या कुछ कितना चेंजेस लगता है आपको यहाँ काम करना वहाँ काम जी? करना? पहले तो अगर जब आप इंडिया आते हो, आप हमेशा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल अलग है, कल्चर अलग है, तो वो तो बेसिक चीज़ हो जाती है। बट मुझे लगता है कि आजकल बाउंड्रीलेस हो गया है। आप जैसे कह रहे थे, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका और इरफान खान, सब लोग ट्रवर्स कर रहे हैं बाउंड्रीज़ को। तो एज एन एक्टर, इट्स आर ड्यूटी टू बी एबल टू परफॉर्म इन एनी एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक दैट जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हर बॉलीवुड सेट में भी होते हैं। ये नहीं है कि मैंने ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स भी की हुई हैं, सेव योर लेग्स पे जब मैं जब कर रही थी तो वो अलग था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो ह्यूमर होता है सेट पे, जो कल्चर होता है, जो स्टाइल होता है बात करने के बिटवीन द एक्टर्स, इट्स वेरी डिफरेंट। तो मुझे कल्चरल एडजस्टमेंट्स बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं जाती हूँ वापस काम करने के लिए। यहाँ पर भी आती हूँ, हर टाइम मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो बहुत पसंद आता है। जी, एंड क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, तो हम कोई ऐसे ऑस्ट्रेलियन फिल्म या ऑस्ट्रेलियन कोई टीवी या कुछ देखेंगे हम आपको, या अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? मैं जिक्र नहीं कर सकती ओ हूँ, पर मैं मुस्कुरा के बता देती हूँ। नाम देना चाहेंगी मतलब थोड़ा, हम टीवी या फिल्म? दो महीने बाद हम बात करेंगे, तो मैं आपको सब कुछ बता अच्छा, दूंगी। बता भी नहीं बता सकती कि टीवी है या फिल्म या कुछ? है, मतलब दोनों चीज़ हो रहे हैं अभी। हम जब कॉन्ट्रैक्ट सब, मुझे NDA अभी साइन किया गया है, मैंने साइन किया है, तो जब मैं बात कर सकती हूँ मैं बिल्कुल बात जी, करूँगी। अच्छा, ये फिल्म लाइन लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो जी ये फिल्म कब तक आ जाएगी? अभी आने लोगों वाली है, के अभी US और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हुई है। मेरी मम्मी ने देखा था रात को ऑस्ट्रेलिया में, उसने फ़ोन करके बताया, बड़ा अच्छा लगा आपका रोल। तो आई थिंक आने वाली है इंडिया में। इंडिया का जो मार्केट है बहुत अहम है लायन के लिए। एक इंडियन स्टोरी है, एक माँ बेटे की स्टोरी है, फैमिली की स्टोरी है, एंड जो हमारे इंडियन, मुझे बहुत बिलीफ है इस फिल्म में, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन इंडियन हूँ और ये एक ऑस्ट्रेलियन इंडियन स्टोरी है। जो बच्चा आता है कोलकाता से, वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, और मेरे ज़िंदगी से बहुत सारे पैरेलल्स है, क्योंकि एक कोई कह सकता है कि जब मैं इंडिया आई थी, मैं भी अपना घर खोज रही थी कि मेरा कल्चर क्या है, आइडेंटिटी क्या है। तो बहुत ऐसे पैरेलल्स हैं मेरे अपने ज़िंदगी के साथ, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉस कल्चरल सिनेमा, जो हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, क्रॉस कल्चरल सिनेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत पैशनेट हूँ ऑस्ट्रेलियन इंडियन सिनेमा के बारे में, एंड या आई जस्ट थिंक द इंडियन ऑडियंसेस विल लव इट। और आपने बताया कि आपकी मामा ने ये फिल्म देख चुकी, तो उनका क्या रिएक्शन था, या आपके दोस्तों ने ये फिल्म हाँ, देखी हो? सब लोग फूट फूट के रो रहे थे। मतलब इतनी इमोशनल फिल्म है, बहुत इमोशनल फिल्म है जी। और प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने बताया कि इंडिया में भी ये फिल्म रिलीज होना है, तो प्रमोशन भी होगा, और देव पटेल या फिर वो भी यहाँ उसके आएंगे? बारे में मुझे अभी पता नहीं है, तो अभी आपको पता चल जाएगा अगर हो रहा है। जी, चलिए, और जो प्रोजेक्ट है आपका वो है बेगम जान, जी। जो कि हिंदी फिल्म है, वो जानना चाहेंगे कि वो उसकी शूटिंग कब से और कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत सुंदर वक्त बिताया मैंने बेगम जान के सेट पे। श्रीजीत मुखर्जी का पहला बॉलीवुड फिल्म है वो, एक बहुत नोन डायरेक्टर है कोलकाता में, नेशनल अवार्ड विनर है, और मैं
मेरा इच्छा था कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करूं जब मैं अगला पिक्चर करूंगी इंडिया में. एंड टू वर्क विद एन एक्ट्रेस लाइक विद्या बालन, मैं बहुत सालों से उनको देखते आई हूं और इंस्पायर होते आई हूं. एंड फॉर मी इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद यू नो इन अ फिल्म दैट हैज़ निकोल किडमैन ऑन वन हैंड एंड अ फिल्म दैट हैज़ विद्या बालन, टू अमेजिंग एक्ट्रेसेस जो दोनों मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. और तो कैसा रहा विद्या जी के साथ का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मतलब क्या कुछ सीखा आपने उनसे या क्या कुछ आपने वो अपने कैरेक्टर में हमेशा रहती हैं, वो बहुत ही फोकस्ड है सेट पे. एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसे एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिला है काम करने के लिए. या रणबीर या आयुष्मान या विद्या जी, सब बहुत फोकस्ड है, सब बहुत सीरियसली लेते हैं अपने काम को. एंड इट्स जस्ट बीन एन ऑनर टू स्टैंड ऑन सेट, वॉच देम, लर्न फ्रॉम देम, रिएक्ट विद देम. जो जेनरोसिटी देते हैं वो एज एन एक्टर, बहुत लकी एक्टर्स होते हैं जिनको ये मिलता है सेट पे, और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ. तो फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है? जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, मार्च 17 को रिलीज है. तो डायरेक्टर की अगर बात, क्योंकि डायरेक्टर नेशनल अवार्ड डायरेक्टर है, उनके साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, या जब आपने उनके साथ में इंटरेक्ट किया तो क्या कोई एक्सपीरियंस या सेट का कोई एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, श्रीजीत मुखर्जी बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं. और जो अपने एक्टर्स को संभालते हैं सेट पे, मैंने कभी ऐसा डायरेक्टर को देखा नहीं है. बिकॉज इट्स अ वेरी, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो एक्टर्स थे, इट वाज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हम एक यूनिट की तरह बिहेव करें. एंड ही हैज़ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़, आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई गॉट टू वर्क विद हिम. चलिए, क्योंकि जाते आते व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म, दोनों आपके फिल्म के जरिए, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप भी, आपका भी कहना है कि अभी मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, और भी आपके प्रोजेक्ट हैं, आपके ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट भी हैं. हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. व्यूवर्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म बेगम जान एंड लायन? मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप पिक्चरें देखते रहिए, बेगम जान देखिए, लायन देखिए, इंस्पायर होइए, और मार्च 17 को आप पिक्चर देखने आ जाइए. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.